फैकल्टीज uh, तो भी ज्यादा है स्टूडेंट भी ज्यादा है, है, है सब कुछ ज्यादा है तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, है ना तो क्या होगा तुम पांच दस मिनट खेल लो है ना खेल तो कह लो यार अब तुम बड़े हो गये तो मैं भी खेलती हूँ इसमें क्या हो गया है ना? मुझे समझ नहीं आता कौन डिसाइड करता है कि बड़े लोग खेल नहीं सकते हैं सब खेल सकते हैं है ना चलो नमस्ते 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 अः हम्म नहीं आज कोई एग्जाम एनालिसिस चल रहा था ना तो वो थोड़ा लंबा खिंच गया जैसे आपकी एनालिसिस चली होगी और आप हमें क्वेश्चंस बताते रहोगे बताते रहोगे बताते रहोगे तो हमारा भी मन नहीं करेगा आपको छोड़ के जाने का वैसे कुछ था ठीक है सब सॉर्टेड है चलो स्टार्ट करते हैं आप में से कोई भी नया है इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहा है तो सब्सक्राइब कर ले और हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ जाए इसके साथ ही अडर ट्वेंटी फोर की मोबाइल ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं लिंक आपके सामने दिया गया है ठीक है तो इस लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको कुछ क्वाइंस भी मिलते हैं उन क्वाइन से आप हमारे टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो और हमारे बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो उसको एज अ फीस यूज कर सकते हो इसके साथ ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे करंट अफेयर जॉब अलर्ट सब्जेक्ट वाइज एंड मैनी मोर थिंग्स यहाँ पे मिलती हैं एक और फीचर की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी फैकल्टीज की कॉम्युनिटी मेरी कॉम्युनिटी एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम पे आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो कोई भी डाउट्स है कोई भी आपको अपना जैसे यहाँ पे देखो पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो यहां पर मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो है अपनी असाइनमेंट्स पोस्ट करते हैं ठीक है आप देख सकते हो यहां पे तो आप देख सकते हो कि आपका कंपटीशन कितना तगड़ा है है ना आ, कैसे कैसे तैयारी चल रही है लोगों की और आपको अपनी तैयारी जो है वो आ, कैसे इंप्रूव करनी है है ना चलो ओके okay. किसी और वर्टिकल का था एग्रीकल्चर का नहीं था ठीक है तो ये असाइनमेंट है ये मेरा पेज है और यहाँ पे कोई भी मॉक वगैरह होते हैं तो उसके लिंक्स भी हम डालते रहते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन बट शुरू करने से पहले प्लीज अलविदा जून जून का आखिरी दिन है किसी को भी बैच में करना है, प्लीज, एक के के साथ 80 के साथ आप कर सकते हो। कोड यूज करके लास्ट में आपको बता दूंगी मैम की जुनून क्लास है संडे को चलेगी ग्यारह ए पे तो जुड़ना मत भूलेगा वहां पे आपके पैथोलॉजी पे और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस रहेंगे ओके चलो इंसेक्टिसाइड uh, के ट्रेड नेम बेटा प्रैक्टिस से ही लर्न होंगे यहां पे आपको क्वेश्चंस कराती जाऊंगी मैं ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज द इंसिडेंस ऑफ वाइट ग्रब इज हैवीली इन चेंज कर लिया मैंने इस बार जो व्हाइट ग्रब का इंसिडेंस होता है मतलब व्हाइट ग्रब सबसे ज्यादा अटैक जो है वो कौन सी कंडीशंस में करते हैं गुड इवनिंग खुशी गुड इवनिंग अच्छा मुझे किस किसके दिख रहे हैं यहाँ पे भूमिका दामिनी सोनम सुमित फिर यहाँ पे अमित है सनी है सनम है योगेंद्र है शिवांशु है एंड देन आगे विशु भी थी नमस्ते शिवी भी थी चाय पी लो बोल रही थी मैंने सारे पढ़े जल्दी से आंसर बता दो सनम रिप्लाई तो किया ना मैंने प्रैक्टिस से होगा ना मैं करवा दूंगी प्रैक्टिस ठीक है राइट आंसर हियर बी सो वेरी वेरी नाइस सनी भूमिका दामिनी हंसा तो जो ड्राई फील्ड्स होते हैं जिनमें सैंडी लोम सॉइल होती है वहां पर व्हाइट ग्रब्स का इंसिडेंस सबसे ज्यादा होता है व्हाइट ग्रब सबसे ज्यादा अटैक करते हैं कहां पर जहां पे सूखे सूखे से फील्ड होंगे और सैंडी लोम सॉइल होगी ठीक है सो बी इज द राइट आंसर हियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज लिप लाइक लिप लाइक एरिया यार जब ये दो सेम सेम वर्ड आते हैं मेरे साथ ऐसे ही होता है अ लिप लाइक एरिया बिलो द फ्रॉन्स इज नोन एज तो जब आप इंसेक्ट के हेड का स्ट्रक्चर देखते हो तो यहां पर आपका फ्रॉन्स होता है और यहां पर जो है आपका वो चीज होती है ओके okay, आपको यहां पे कंपाउंड आइज होती है यहाँ पे ऑसिली होती है ये ट्रायंगुलर वाला स्ट्रक्चर फ्रॉन्स होता है जो फ्रंट एरिया होता है ये वाला ये वाला पोर्शन है frons के नीचे क्या होता है लिपलाइफ स्ट्रक्चर ओके वेरी नाइस वेरी नाइस एवरी वन द राइट आंसर इज अच्छा सुष्मिता ने जेना लिखा है जेना बेटा कंपाउंड आई के नीचे होता है चीक्स जो ये वाले चीक्स वाले पोर्शन है ना ये आपके क्या है जेना है ओके ये कंपाउंड इसके नीचे लेकिन फ्रॉन्स के नीचे यहां पे लिप लाइफ स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लाइपियस बोला जाता है ठीक so, है क्लाइपियस, yes, क्लाइपियस लिखा है वो बिल्कुल सही आंसर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज एम्प्लेक्सी फॉर्म टाइप ऑफ विंग कपलिंग ठीक है विंग कपलिंग मैंने आपको कल भी बताया था आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन से टाइप ऑफ विंग कपलिंग जो है एम्प्लेक्सी फॉर्म जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है ओके uh, okay. जो वर्टेक्स होता है बेटा जैसे ये आपका फ्रॉन्स है ये आपका फ्रॉन वाला एरिया है फ्रंट वाला वर्स ए वर्टेक्स से बिहाइंड तो इसके डायरेक्ट पीछे वाला जो एरिया होगा ये जैसे आपका तालू होता है टपली बचती है तो उसके पीछे वाला एरिया हो जाएगा आपका वर्टेक्स ठीक है बिहाइंड वाला पोर्शन चलो एम्प्लेक्सी टाइप ऑफ किसमें होते हैं बटरफ्लाई में होते हैं है, वेरी नाइस इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे सिंपल विंग कपलिंग किसमें होती है आपकी एम्प्लेक्सी फॉर्म में होती है जहां पर एक पंख का पेयर दूसरे पंख पे एक पंख दूसरे पंख पे ओवरलैप कर रहा होता है ठीक है बटरफ्लाइज में क्या होता है बेटा ये एक है इसके ऊपर दूसरा है ठीक है इस तरीके से ओवरलैप कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ठीक है यस ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द रेड पंपकिन बीटल मेजर पेस्ट ऑफ कुकुर सबसे मेजर पेस्ट जो है वो होता है रेड पंपकिन बीटल ठीक है कुछ नहीं है बेटा थोड़ा सा स्टूडियो अरेंज कर रहे थे ठीक है नाउ आई एम बैक चलो आंसर करो रेड पंपकिन बीटल रेफिडो पेल्पा फॉबिकॉलिस बिलोंग्स टू द फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है तो देखो रेड और आर ए रेफी है ना रेफी और रेड से याद रखना है और फोविकोल जो है वो बीटल है ठीक है उसकी फैमिली की अगर बात करें तो उसकी फैमिली क्या हो जाती है इट्स फैमिली इज क्राइसोमिलेडी जो तुम मिल के वो कर रहे हो ना तुक्के लगा रहे हो सी डी बी सी वो सबके गलत है ए इज द राइट आंसर ठीक है अगली बार सबका सही होना चाहिए विशु ने ए लिख दिया ठीक है सो इट इज क्राए पता कैसे याद रखना है रेड पंपकिन बीटल कुकुर देता है बेचारे जो हैं वो क्राए करने लग जाते हैं ठीक है रेड पंपकिन बीटल सबसे मेजर बीटल है जब वो बीटल अटैक करता है तो हमारे सीफ और कुकुर बिट जो हैं किराए करने लग जाते हैं तो क्राए सोमेलिडे जो है वो किसकी फैमिली है रेड पंपकिन बीटल की है ओके okay? चलो अगली बार सबको आना चाहिए तुक्के नहीं लगाने हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैंगो स्टेम बोरर बिलोंग्स टू द फैमिली मैंगो स्टेम बोरर की फैमिली कौन सी है स्कॉलिटी डे सिरम डे या स्केराबाई दो बार आ गया हाय अच्छा यहां पे लिख लो किराए वाला ठीक है ठीक है, तो है नहीं आता है तो बोल दो नहीं आता नहीं आता है यार अटैक मत दिया करो एक साथ बी 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 लिख के जैसे कि पता नहीं कितना ही शोर हो तुम लोग ओके सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है यस भूमिका का सही है रोशनी का सही है बिल्कुल दामिनी का सही है सो इट इज सेम बाई है चलो क्लियर कैसे याद रख लोगे कि स्टेम है स्टेम में आप सीरम लगाओगे है ना तो सीरम बाई सी कुछ भी बोला ना मैंने याद रख लेना यार ठीक है आज तो पूरा ही तुक्का लगा रहे हो कोई बात नहीं कोई बात नहीं शैलेंद्र बोल रहे हैं मैम एक्सप्लेन प्लीज बेटा फैमिली को क्या एक्सप्लेन करूं मैं ये फैमिली को बिलोंग करते हैं खत्म बात इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूं ठीक है चलो द सीरियस पेस्ट ऑफ एप्पल विच इज नॉट कॉमनली अकरिंग इन इंडिया ठीक है नॉट कॉमनली अक्कर इन इंडिया ओके रेड पंपकिन बीटल ये तो कुकर बिट्स का है बुली एफिड या डायमंड बैक मॉथ ये तो कैबेज की है या कॉडलिंग मौत आगे आगे तुम्हारा फिर से तुक्का लगा लिया तुमने है बेटा द राइट आंसर इज कॉडलिंग मौत इधर देखो पूरा सीरियस पेस्ट तो है लेकिन इंडिया में नहीं है ठीक है नॉट कॉमनली अकरिंग इन इंडिया सो इट इज कॉर्डलिंग मॉथ जो इंडिया में नहीं होती है बुली एफिड तो इंडिया में बहुत होता है ठीक है बुली एफिड आंसर होता अगर इंडिया जो है पूछा होता या वर्ल्ड वाइड पूछा होता यहां पर है जो इंडिया में कॉमन नहीं है तो कोई बी बी वी नहीं होने वाला है यहां पर कॉडलिंग मॉथ इज द राइट आंसर ठीक है चलो ओके नेक्स्ट मैंगो मिलीबर्ग लेस इट्स एग इन या ऑन जो मैंगो मिली बग्स होते हैं ना व्हाइट व्हाइट से हमने पहले भी पढ़ा है कि ट्री बैंडिंग कंट्रोल उसके लिए यूज होता है सो so, जल्दी से बता दो कि वो अपने एग जो है कहां पर ले करते हैं आपको कहां देखने को मिलेंगे अंडे उसके लीफ पे लीफ एक्सिल पे स्टेम पे या सोइल पे जल्दी से बताओ पहले से ही बोला था फिर चेंज क्यों किया चलो सो so, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बोल रही भूमिका बोल रही है राइट आंसर इज वेरी नाइस स्वाइल इज द राइट आंसर डी इज द राइट आंसर तो जिसने भी जो डी आंसर किया है, वो बिल्कुल सही है पे ही एग ले होते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रब्स ऑफ नट बीविल आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वे होते हैं और जो वीविल या बीटल के लार्वे होते हैं उनको ग्रब्स बोला जाता है ठीक है तो ये जो मैंगो नट बीविल का ग्रब है इट फीड ऑन एंड डैमेज द क्या डैमेज करते हैं इसके ग्रब्स फ्लावर्स में फ्रूट को जो है डैमेज करते हैं ऑफ मैंगो सीड या शूट कौन से पोर्शन को सबसे ज्यादा डैमेज करता है ग्रब को करता है या फ्रूट के पेरी काप को करता है है ना या तो कॉटिलिडोन को करता है मैंगो सीड के या तो शूट को करता है सो द राइट आंसर इज कॉटेलिडॉन्स ऑफ मैंगो सीड ठीक है जिसने भी सी आंसर किया है सुष्मिता आकाश निहारिका शिवानशु सुमित वेरी नाइस रोशनी ये रानी ने भी सही आंसर किया कॉटेलिडॉन्स ऑफ मैंगो सीड को जो है वो हार्म करता है ये वी विल ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोमिग्रेनेट फ्रूट बोरर जिसका नाम होता है डिओडोरिक्स आइसोक्रेट्स ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है पोमिग्रेनेट फ्रूट बोरर पायरोस्टिडे लाइक इन डे या पायरल डे या, या नॉक ट्यूडे बताओ कोई चक्कर नहीं है कुछ भी चलो यार तुक्का ही लगा दो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन अगली बार के लिए जब मैं रिवाइज करवाऊंगी तब सबको आना चाहिए ठीक है हियर द राइट आंसर इज बी सो वेरी नाइस सनी शिवी निहारिका शिवी अगेन अमरदीप ठीक है इनका आंसर सही था है ना बाकी सबका गलत है सो इट इज लाइक ए निडे है ना लाइक ए निे है द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड पॉलीफेगस वाइट फ्लाई स्पीशीज इज वाइट फ्लाई की कौन सी स्पीशीज है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और पॉलीफेगस है पॉलीफेगस का मतलब है ये बहुत सारे इंसेक्ट के ऊपर फीड करती है डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स के ऊपर इंसेक्ट uh, बोल रही हूँ क्रॉप्स के ऊपर जो है फीड करती है जल्दी से बता दो कौन सी है अरे फैमिली भी पूछ लेते हैं कई कबार ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं पूछते एक आधे की पूछ भी लेते हैं ठीक है चलो जल्दी से यस राइट आंसर चाहे तुक्का हो चाहे कुछ हो पर सही है बेमिस आप हर कहीं पढ़ते हो वाइट फ्राई की बेमिसिया टबाकी ही है जो सबसे डिस्ट्रक्टिव वाली है ठीक है ओ गॉड लिसन टू मी डी इज द राइट आंसर ठीक है बेमिस टबाकी है बिल्कुल घबराना नहीं है तुमने ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैंगो दिदरिंग एंड श्रेडिंग ऑफ इन्फ्लोरस इज अटम ऑफ डैम ड्यू टू मैंगो में क्या होता है इनफ्लोरस बिल्कुल गिर जाती है, है. यह किसके डैमेज की वजह से होता है क्या यह लीफ बोरर की वजह से होता है क्या ये गोल मिजिस की वजह से होता है क्या ये स्टेम हॉपर की वजह से, से होता है या फ्रूट फ्लाई की वजह से होता है हाँ हाँ है ना पता था ना अच्छी बात है पता था चलो जल्दी से बता दो अच्छा ये भी पता है कि मैंगो में किसकी वजह से होता है राइट आंसर इज स्टेम हॉपर ठीक है आपने मैंगो हॉपर सुने होंगे उन हॉपर्स की वजह से क्या होता है ये डैमेज होता है जहां पे इंफ्लोरसिस बिल्कुल सूख के गिर जाती है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमंड बैक मॉथ इज सीरियस पेस्ट ऑफ डायमंड बैक मॉथ जो है वो किस क्रॉप का सीरियस पेस्ट है मैंगो मस्टर्ड कैबेज या सैफ्लावर आज तो तुम्हारा तुक्का डे है है ना विश्व तुक्का डे टुडे डिक्लेयर कर दे चलो कोई बात नहीं ठीक है द राइट आंसर इज अच्छा जी देखो मस्टर्ड और कैबेज दोनों ही क्रूसी फेरे हैं लेकिन पूछा है सीरियस पेस्ट किस में आता है तो सबसे सीरियस पेस्ट आता है कैबेज में है ना विषु मस्टर्ड नहीं होगा सारे ऑप्शन पढ़ो कैबेज इज द राइट आंसर यस दोनों क्रूसीफ़र्स हैं लेकिन सबसे सीरियस पेस्ट ये कैबेज में होता है ओके सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हेयर ओके नेक्स्ट इज माइट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द प्लांटेशन ऑफ आपने देखा ये सारी प्लांटेशन क्रॉप्स है, है ना जिनको एक लार्जर एरिया में कॉमर्शियल स्केल पे लगाया जाता है ओके okay. सो so, जो है वो सीरियस प्रॉब्लम जो है कौन सी प्लांटेशन क्रॉप में होता है क्या वो टी में होता है कार्डम में होता है बीटल वाइन में होता है या पेपर में होता है सी देखा ही नहीं यही तो सीखना है बेटा यही तो सीखना है आराम से सारे ऑप्शंस पढ़ा करो हम्म द राइट आंसर इज टी माइड जो है वो टी में बहुत डैमेज कॉज करती है इज द राइट आंसर ओके अच्छा एक और बात बताऊ मैं एक और बात बताती हूं ये जो क्वेश्चन है ये आपके एंटोमोलॉजी जे में आ चुके हैं ठीक है तो जो बोल रहा है ना एग्जाम में नहीं आता है ना तो जे के एग्जाम में ये आए हैं लेकिन ये जे का एग्जाम था टू थाउजेंड एंड टू मतलब 2002 में लेवल बहुत इजी आता था अब तो बढ़ गया है ना तो उस टाइम का अब लेवल अब ए आपका जो भी एग्जाम्स होते हैं यूपी ट्रिपल एस वगैरह में तो वो यहां पर जो है वो आ सकते हैं ठीक है क्योंकि उस जमाने का लेवल था अब लेवल बढ़ चुका है और ये सारे क्वेश्चन जो है वो ए में भी इंक्लूड हो सकते हैं समझ आ रही है बात चलो हाँ जी नेक्स्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट अच्छा अब ये आगे आपके थोड़े से रिवीजन वाले क्वेश्चंस ठीक है अब जिसने मेरी सुबह की क्लास देखी होगी वो ये सारे आंसर सही करेगा जिसने नहीं देखी होगी वो आकाश <laughs> बोल रहा है एंटोमोलॉजी जीने लाइक पढ़ रहे हैं हम आप जे पूछ रहे हैं मैं बोल रही हूँ ये जेर का दो का पेपर था दो हजार दो कहा और ये कौन सा चल रहा है दो कौन सा चल रहा है यार बताओ कौन सा चल रहा है ट्वेंटी चल रहा है हाँ चलो ओके okay. सो so, जल्दी से बता दो द राइट आंसर इज सी नीड बेस्ड यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड करते हैं हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ठीक है वेरी नाइस सो सबका सी है ना यहां पे शाबाश रिकॉर्ड तोड़ा है तुमने बीच में कोई देशद्रोही तो नहीं है जो कुछ और लिख रहा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रॉयल जेली कंटेन रॉयल जेली में क्या क्या पाया जाता है लिपोप्रोटीन ये तुमने सबने गलत किया था सही आंसर दो लिपोप्रोटीन बताओ हिंदी yeah, में बोल के इसको कन्वर्ट करें बेटा जो रॉयल जेली होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है अब लिपो प्रोटीन तो लिपो प्रोटीन ही होगा है ना पूछा था कि मैम एक बार ईटीएल जो है उसको फिर से जो है रिपीट कर देना की ईटीएल क्या होता है ठीक है तो ई टी एल क्या होता है वो लेवल जहां पर आपको पेस्टिसाइड खरीद के लाने पड़े पेस्ट के खिलाफ एक्शन लेना पड़े पेस्ट क्या है आपके दुश्मन है आपके क्रॉप के दुश्मन है आपने उन पेस्ट का सफाया करना है तो जब वो पेस्ट आपकी नाक में दम कर दे है ना जब आपको जरूरत पड़ जाए कि आपको पेस्टिसाइड यूज करने ही करने हैं वो आपका वो समय वो आभास जब आपको होता है वो है आपका इकोनॉमिक थ्रेश लेवल जिसको एक्शन थ्रेश लेवल भी बोला जाता है ठीक है और यहीं पर इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर टू ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द इंसेक्टिसाइड दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट टर्माइट्स टर्माइट्स के अगेंस्ट कौन सा इंसेक्टिसाइड इफेक्टिव होता है क्लोरपाइरो इमिडाक्लोपरेड ये दोनों ही होते हैं या एंडोसल्फान जल्दी बता दो जो सुबह वाले हैं वो अभी इंटेलिजेंट फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उनका दूसरी बार रिवीजन हो रहा है उनको ज्यादा याद रहेगा ऐसा मत सोचना कि सुबह भी किए थे शाम को भी किए थे ये रिवीजन हो रहा है क्विक रिवीजन जल्दी से बताओ द राइट आंसर इज

अच्छा ऐसा है रोशनी ने मॉर्निंग की क्लास नहीं ली थी ओके चलो जब आप देखते हैं तो नहीं होता एंटोमोलॉजी का बेटा एक शेड्यूल बना है मेरी कम्युनिटी में लगा हुआ है वो शेड्यूल यूट्यूब का क्या है ना उस हिसाब से चला करो द राइट आंसर इज नॉन रिड्यूसिंग डाय ठीक है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग माउथ पार्ट आर फाउंड इन बर्ग्स बर्ग्स में कौन से माउथ पार्ट होते हैं जल्दी से बता दो लाइक like नहीं किया तुमने सेशन यार तुम्हें बोलना ही पड़ता है तभी तुम लाइक करते हो नहीं तो नहीं तुम करते बहुत बुरे हो तुम याद रखा करो ना मैं मैं तो भूल जाती हूँ तुम याद रखा करो चलो द राइट आंसर इज टू वेरी नाइस पियरसिंग एंड सकिंग टाइप जो होते हैं वो बग्स में होते हैं बाकी सब मैं सुबह की क्लास में सारे ऑप्शन डिस्कस कर चुकी हूं ठीक है नाउ मेजर प्रोटीन फाउंड इन सिल्क सिल्क में जो मेजर प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी है फिवरोनिन uh, मेलिटिन या बॉम्बिसिन कौन सी होती है ओके वेरी नाइस जल्दी से बता दो शिवी oh, फिर से तुमने सेम लिख दिया कि च्यूइंग एंड बाइटिंग हनी बी का होता है च्यूइंग एंड बाइटिंग हनी बी का नहीं होता है ग्रास हॉपर का होता है चूइंग एंड लैपिंग होता है हनी बी का लैपिंग चाटना लैपिंग होता है हनी बी का ठीक है बार बार कंफ्यूज मत करना असाइनमेंट बनाना है इसकी ठीक है अच्छा असाइनमेंट दू तुम्हें असाइनमेंट करोगे माउथ पार्ट लिखने आपको ठीक है टाइप ऑफ माउथ पार्ट और यहां पर उसके एग्जाम्पल लिखने ठीक है इसी असाइनमेंट से जो है तुम्हारा भला होगा जैसे कि यहां पे लिखोगे च्यूइंग एंड बाइटिंग एग्जाम्पल में लिखोगे ग्रास हॉपर क्रिकेट्स या जो भी लोकर्स जो भी होते हैं फिर लिखोगे च्यूइंग एंड लैपिंग लैपिंग वाला कौन सा आता है बेटा इट इज हनी बी ओके फिर लिखोगे पियर्सिंग एंड सकिंग पियर्सिंग एंड सकिंग आपके बग्स होते हैं बग्स हेमिप्ट्रा वाले फिर लिखोगे रास्पिंग एंड सकिंग ठीक है रास्पिंग एंड सकिंग जब आपको ये एक पेज पे ऐसे दिख जाएंगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे ठीक है गजानन बोल रहा है मैं सुबह वाली क्लास देखने जा रहा हूं अबे दस मिनट बाद जाना चलो चलो इधर देखो जो पियर्सिंग और सकिंग है मतलब जो छेद डालते हैं अंदर और अंदर घुसा के फिर सक करते हैं वो है आपके बग्स हेमिप्ट्रा वाले ठीक है और जो रास्पिंग और सकिंग है मतलब जो पियर्स नहीं करते लेकिन रास्पिंग उधेड़ देते हैं उसको फाड़ देते हैं चीर फाड़ कर देते हैं उसकी ठीक है रास्पिंग और सकिंग होते हैं थ्रिप्स के ठीक है रास्पिंग और सकिंग क्या होते हैं थ्रिप्स के होते हैं Uh, ETL पर हम कंट्रोल करते हैं, EIL होता है वो इंजरी लेवल है ना वो इंजरी लेवल जहां पे आप क्या करते हो जहां पे आपको पता चल जाता है कि यहां पर आपका डैमेज हो चुका है ठीक है अच्छा जल्दी से बताओ समझ गए ना ऐसे करना है थ्रिप्स ओके चलो खत्म करो बात यहाँ पे और बाकी सारी चीजें सिफॉनिंग स्पॉन्जिंग वो सब लिख लेना पांच छे और एक पेज पे लिख के अपनी नोटबुक पे रख लेना ठीक है और कम्युनिटी में भी पोस्ट कर देना मुझे पता चले तुम कर रहे हो कुछ जिंदगी में ठीक है ओके okay, फिवरिन है इसका राइट आंसर ठीक है बिल्कुल सही रितेश Which of the following would cause development of insect resistance to insecticide? जो insect pest होते हैं वो ढीठ बन जाते हैं resistant हो जाते हैं pesticide से वो किसकी वजह से होता है More dose of insecticide applied, repeated use of same insecticide या ये दोनों ही reason है जिसकी वजह से pest जो होते हैं वो resistant develop करते हैं towards the insecticides. ओके okay, शेड्यूल की वजह से रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है ओके okay. हाँ बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारे बच्चे हो जो कॉलेज जाते हैं या कुछ और काम करते हैं सो नो वरीज रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट पड़ी हुई है आपको एग्रीकल्चर अटर ट्वेंटी फोर सेवन के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाना है वहां पर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस नबार्ड की सीड की क्लासेस सारी प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई है और तुमने अभी तक जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के मेरे फाउंडेशन लेक्चर भी नहीं देखे है ना uh, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स जो है वो अपलोड हो गया है प्लेलिस्ट देखो फाउंडेशन लेक्चर लगाओ वहां पे ठीक है चलो ये दोनों ही रीजन है चलो नेक्स्ट बीपीएच ऑफ ये सुबह सबने गलत किया था जल्दी से सही आंसर बताओ बीपीएच ऑफ राइस ट्रांसमिट डैश डिजीज कौन सा डिजीज ट्रांसमिट करता है बीपीएच ऑफ राइस राइस रग्ड स्टंट राइज होजा ब्लेंसा राइस ग्रासी स्टंट या ऑल ऑफ दिस यस, निहारिका मुझे लग गया पता तुमने ही क्लास लगाई है मैम ने क्लास नहीं लगाई सुबह वाली है ना और मैम ने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया ऑल ऑफ द अवर इज द राइट आंसर देख लो रोशनी ने भी क्लास नहीं लगाई ना सुबह देखो ये जो ग्रासी स्टंट राइज वो वाला वायरस है उसी को रग्ड स्टंट और ये होजा ब्लैका जो है जो भी है ये उसको यही बोलते हैं ठीक है ठीके? ये तीनों इसी के नाम है इंसेक्ट विच यूज हैज वन जनरेशन पर ईयर एक ईयर में एक ही जनरेशन होती है किसमें होती है आपकी वाइट ग्रव रेड हेयरी कैटरपिलर या दोनों में होती है अच्छा कॉलेज की वजह से नहीं देखा ओके okay, कोई बात नहीं रिकॉर्डेड देख लेना ठीक है ओके पूजा नाम है ओके 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 वो कहां गई पूजा पासवान पूजा पासवान नहीं आई आज ओके बोथ इज द राइट आंसर वेरी नाइस निहारिका एंड देन दामिनी आस्था चलो इंसेक्टिसाइड इज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग माइट्स माइट्स को कौन कंट्रोल करता है एंडोसल्फान टॉक्साफिन साइपर या मोनोक्रोटोफोस हियर द राइट आंसर इज एंडोसल्फान ठीक है तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं अगर आपको ये तो एमसीक्यूज और डिस्कशन होता है अगर आपको हमारे पेड बैचेस में एनरोल होना है जहाँ पे प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और सारी क्लासेस आपकी लाइव चलती हैं, और आपकी एमसीक्यूज रिवीजन क्लासेस सब कुछ होता है वहां पे तो ये ए का बैच है इसका ओरिजिनल फीस है ट्वेल्व थाउजेंड बट एटी परसेंट ऑफ पे वाई सेवन एट वन ए कोड लगा के आपको ये ऑफर फीस ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का जो है मे uh, बी इससे भी कम में आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा एफ ओ के इस बैच में ठीक है चलो इसके साथ ही अगर आप नए हैं तो एग्रीकल्चर अड्डा आपके लिए लेकर आता है एग्रीकल्चर महापैक क्या है ये एग्रीकल्चर महापैक जब भी 80% परसेंट ऑफ और डबल वैलिडिटी हो, मतलब दो साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा तो आपको एग्रीकल्चर महापैक को ग्रैब कर लेना चाहिए ठीक है क्योंकि इस एग्रीकल्चर महापैक में आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में हमारे जितने भी बैचेस हैं फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपको इसका जो एक्सेस है वो मिल जाएगा सारे बैचेस का विद वन सब्सक्रिप्शन ओनली और कोड यूज करना है वाई सेवन एट वन एज इट इज फॉर एटी परसेंट डिस्काउंट एटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इस कोड से और साथ में डबल वेलिडिटी यानी दो साल के लिए ठीक है uh, मेरी उड़ान बैच जो है इट इज फॉर सिक्स थर्टी नाइन ओके okay? जो उड़ान 2.0 है जहां पर आप मुझसे एंटोमोलॉजी जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और सीड साइंस इन डिटेल पढ़ सकते हो कोई भी डाउट पूछ सकते हो तो आपको जो है 639 में उड़ान 2.0 में एनरोलमेंट मिल जाएगी बिल्कुल नहीं मिलेगी ऑब्वियसली ये कोचिंग अलग है वो कोचिंग अलग है ठीक है चलो ओके okay. सो uh, so कैसे आप एनरोल कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ आपको गूगल पे जाना है ठीक है यस प्लांट ब्रीडिंग एंटोमोलॉजी एंड सीड्स सीड साइंस राइट आपको क्या करना है गूगल पे जाना है अड्डा ट्वेंटी फोर जो है वो लिखना है इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे ओपन करना है ठीक है इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा फिर आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद आपको क्या है यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर वो आपको चूज करना है एग्रीकल्चर चूज करने के बाद आपको जैसे एग्रीकल्चर फाउंडेशन कोर्सेज हैं तो कौन पूछ रहा था उड़ान वाला ये देखो उड़ान 2.0 अभी इसमें भी डबल वैलिडिटी है मतलब आपको दो साल के लिए कोर्स मिलेगा आपको ये ओपन करना है इसको ओपन करते ही बाय नाउ करना है बाय नाउ के बाद जो है आपको कूपन कोड लगाना है वाई सेवन एट वन ये कोर्स लेना है सेवन एट वन ओके okay? और ए इज फॉर एटी परसेंट डिस्काउंट इसको आप अप्लाई कर देंगे सिक्स थर्टी नाइन में आपको मेरे उड़ान टू पॉइंट ओ में एनरोलमेंट मिल जाएगा अभी एंटोमोलॉजी की लाइव क्लासेस दो से तीन चलती हैं uh, हिंदी में अर्पित हिंदी में जरूर मिलेगा अगर आपको हिंदी में तैयारी करनी है तो आप एग्रीकल्चर पे ये सारे बैचेज है ना आपको जाना है यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए में यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए देखो चौथी लाइन में लास्ट है इसको ओपन कर लो यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए उसके बाद यहां पर देखो इसको ओपन करो बाय नाउ करो कूपन कोड लगाओ वाई सेवन एट वन ए ये कोड अप्लाई करते ही आपको वन टू सेवन नाइन यानी ट्वेल्व हंड्रेड में आपको इतनी फीस में आपको एनरोलमेंट मिल जाएगी आप इस बैच में आ सकते हो ठीक है चलो आ, रितेश आपको क्या परचेज करना है कौन सा बैच की बात कर रहे हो आप हाँ हिंदी हिंदी वाला बैच ये है इसमें आपको हिंदी में नोट्स मिलेंगे हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा ठीक है ये आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा यूपी ट्रिपल एस ओके अर्पित ओके तो इसके अलावा एग्रीकल्चर महापैक जहां पर एक पैक में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे ये जितने भी बैचेस हैं चाहे वो जे है चाहे वो आईसीआर है चाहे वो ए है एफ है नबार्ड है आपका क्रिपको है एडीओ है एफ है ये सब आपको एग्रीकल्चर महापैक में मिल जाएगा फर्स्ट नंबर पे है ना आप एग्रीकल्चर महापैक को ओपन करेंगे ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व मंथ की वैलिडिटी है बाय नाउ करोगे कूपन कोड लगाओगे वाई सेवन एट वन ए वाई है? चलो ओके okay. सो uh, so इसी के साथ हम अपना सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा करती आप मिलेंगे हमारे साथ हमारे उड़ान 2.0 में और डिफरेंट बैचेस में जहां पर हम एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ पढ़ाई करते हैं रिवीजन करते, करते हैं एमसीक्यूज करते हैं तब तक के लिए टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब टू बाय